मजीद जिद्दी, सरकश, बदतमीज, तुनखू। सोशल मीडिया पर ये खबर जेरे गर्दिश है कि आमिर लियाकत मुल्क छोड़कर गुमनामी की जिंदगी गुजारने जा रहे हैं, और आमिर लियाकत कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में आमिर लियाकत खुद ये बात बताने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन आमिर लियाकत के एक इंटरव्यू में आमिर लियाकत का कहना था कि जियो मुझे आज भी बहुत अजीज है, क्योंकि मीर शकीलुर रहमान मेरे बाप का दर्जा रखते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ मीर शकीलुर रहमान की वजह से हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक गिला है कि आपके चैनल ने मुझे शैतान और बद किरदार कहा। मैं सब कुछ हो सकता हूँ लेकिन शैतान और बद किरदार नहीं हो सकता, लेकिन मैं अल्लाह की रजा के लिए सबको माफ़ करता हूँ। हानिया नामी लड़की का जिक्र करते हुए भी आमिर लियाकत ने कहा कि मैं हानिया को मुखातिब करके कहता हूँ कि तुमने मुझ पर निकाह का झूठा इल्ज़ाम लगाया था, मगर मैं भी तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ़ करता हूँ। मैंने सबको माफ़ किया। मैं जाने से पहले सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि मेरे दिल पर कोई बोझ ना रहे। आमिर लियाकत का मजीद कहना है कि मैं अपना घर और गाड़ी बेच के अपनी तमाम रकम अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर दानिया वापस आ जाए तो मैं अपने जाने का इरादा तय कर दूंगा, लेकिन अगर वो वापस नहीं आती तो मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ।